कप 2023 में भारतीय टीम का विजय रथ शानदार अंदाज में जारी है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने 8वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 243 रनों से रौंद दिया। यह मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पॉइंट टेबल में अपनी टॉप की पोजीशन पक्की कर ली है और इसी के साथ सेमीफाइनल में भारत एंट्री भी करेगी, जहां उसका मुकाबला पॉइंट टेबल की नंबर 4 टीम के साथ होगा। यदि इस बार भी कुदरत का निजाम आता है तो नंबर 4 की टीम पाकिस्तान हो सकती है, मगर ऐसा होना बेहद मुश्किल लग रहा है। भारतीय टीम टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी, जो नंबर 4 टीम के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यह सेमीफाइनल 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा, जबकि नंबर 4 की पोजीशन के लिए इस समय न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच घमासान टक्कर जारी है। मौजूदा स्थिति में नंबर 4 पोजीशन के लिए न्यूजीलैंड की टीम मजबूत दावेदार मानी जा रही है और उसके बाद से पाकिस्तान की दावेदारी है। दोनों की 8 मैच में बराबर 8 अंक है, मगर नेट रन रेट में कीवी टीम काफी आगे है। न्यूजीलैंड को अपना आखिरी ग्रुप मैच श्रीलंका से 9 नवंबर को बेंगलोर में खेलना है। अगर यह मैच न्यूजीलैंड हारती है तो पाकिस्तान की उम्मीदें काफी बढ़ जाएगी।